नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज पूरे देश में छोटी दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। तरह तरह की मिठाइयां और सुंदर सुंदर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा आकर्षित होने वाला है वो है अयोध्या का दीपोत्सव। आज श्रीराम नगरी अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इसके अलावा और भी देश में और क्या कुछ होगा, आइए जान लेते हैं इस मॉर्निंग न्यूज में। अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं राम की पैड़ी पर दीप बिछाने का कार्य भी पूरा हो चुका है। सभी की निगाहें आज की शाम पर टिकी हैं, जब भगवान श्री राम की नगरी एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। बता दें कि सूचना विभाग द्वारा पूरे आयोजन का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि अयोध्या सहित पूरी दुनिया के लोग इस अद्भुत पल के साक्षी बन सकें। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए जूनियर डॉक्टर एक बार फिर आज सीबीआई दफ्तर तक रैली निकालेंगे। ये निर्णय शनिवार देर रात आयोजित सम्मेलन के बाद लिया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के साथ सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और बांग्ला मनोरंजन उद्योग के कलाकार भी शामिल हुए। सम्मेलन के बाद डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस के बागी नेता सैयद अजीम पीर खादरी शिंगांव से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन वापस लेंगे। बता दें कि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खादरी ने शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन शिंगांव सीट पर 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। मीरापुर निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आज घोषित नरक चतुर्दशी का स्थानीय अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इसी के साथ 1 नवंबर को मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स 1981 संस्करण पारा 247 सी के अंतर्गत स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 15 साल से पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी प्रक्रिया जोरों पर है। जिले के विभिन्न विभागों के 261 वाहनों को चिन्हित किया गया है, जो अब उपयोग के योग्य नहीं है। वित्त विभाग के निर्देश अनुसार इन वाहनों की नीलामी आज पूरी कर ली जाएगी। नीलामी के बाद संबंधित विभाग को नए और आधुनिक वाहन प्रदान किए जाएंगे, जिससे शासकीय कार्यों में और अधिक दक्षता आएगी। IQ00 का ये स्मार्टफोन कंपनी का फ्लैगशिप फोन है, जो पिछले साल के लॉन्च किए IQ00 12 सीरीज का सक्सेसर है। IQ00 13 सीरीज भारत में भी लॉन्च होगी। फिलहाल इसकी लॉन्च डेट सामने नहीं आई है। बता दें कि कंपनी ने अभी सिर्फ होम मार्केट चीन की लॉन्च डेट का ऐलान किया है। IQ00 13 स्मार्टफोन आज शाम 6:30 बजे लॉन्च होगा। ये स्मार्टफोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलाइट एसओसी के साथ लॉन्च किया जाएगा। देशभर में 31 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पहले से ही दिवाली पर्व की तारीख और छुट्टियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। शिक्षा निदेशालय ने एक ऑर्डर जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में छोटी दिवाली की छुट्टी अब 31 अक्टूबर के बजाय 30 अक्टूबर की कर दी जाए, जिसके चलते आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। त्यौहार के मौके पर ट्रेनों में भारी संख्या में यात्री सफर कर सकते हैं। इस दौरान दिल्ली से लखनऊ जाने वाले लोगों की तादाद भी बहुत होती है, जिसे देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से लखनऊ के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, जिसका संचालन आज से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मां काली चौदस पर आज भरकापारा के काली मंदिर से चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। वहीं आयोजन समिति के रघु शर्मा ने बताया कि मां के 31 फीट की चुनरी के साथ यात्रा शाम 7 बजे निकलेगी, जो शहर के प्रमुख हिस्सों का भ्रमण करेगी। IMD ने बताया कि उत्तरी उड़ीसा पर बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर बढ़ा और उसी क्षेत्र में कमजोर होकर एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया। वहीं उत्तर पश्चिम, उत्तरी मध्य, मध्य एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। अब वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए नजर डालते हैं आज का दिन आखिर क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। आज ही के दिन सन 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला। आज ही के दिन सन 1990 में भारत की महिला पिस्टल निशानेबाज राही सरनोबत का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2013 में तेलंगाना के महबूब नगर में बस में आग लगने से
44 लोगों की मौत हो गई। आज ही के दिन सन 2021 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।